सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th ऑफ सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रिफाइनरी नायरा एनर्जी कंपनी फ्रॉम 3rd October 2022। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज प्रसाद के पनीकर। ओके, तो इनको यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है किस चीज़ के लिए? सो दैट जो अपनी कंपनी है यहाँ पे, इसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस को यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके, और भी कई सारे जो इंप्रूवमेंट होते हैं डेवलपमेंट वो भी यहाँ पे किया जा सके, एंड स्पेशली यहाँ पे फाइनेंशियल पोजिशन जो होती है किसी भी कंपनी की उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से किया जा सके। ओके, इससे पहले जो हमारे चेयरमैन थे वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक फॉरनर थे, इसलिए उनको यहाँ पे इंडिया के मार्केट के बारे में उतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे हमें फिर लाइक यहाँ पे एक इंडियन है, तो इनको यहाँ पे मार्केट के लाइक इंडियन मार्केट का आइडिया इनको काफी अच्छे तरीके से कि भाई इंडियंस को कैसा चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम होगा। ओके, तो ये एक हो गया इंडियन मार्केट, यहाँ लिख देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रिफाइनरी के ये ऑलरेडी हेड रह चुके हैं, तो ये मतलब ये भी अपने पहले से ये काम कर रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो इस फील्ड में ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, साथ ही में यहाँ पे एसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये भी चलाया गया। एसेट डेवलपमेंट मतलब और भी यहाँ पे नई नई इसी कंपनीज के अंदर और भी कुछ छोटी छोटी एसेट्स यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, तो ये भी काफ़ी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड, इंडिया एंड जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑन September 8, 2022। राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज इट्स डी विच इज टोक्यो। ओके, तो टोक्यो कहाँ पे? इट्स इन जापान, और 8 सितंबर को यहाँ पे ये मीटिंग हुआ था। 2+2 मतलब कि एक फॉरेन मीटिंग यहाँ पे होती है और साथ ही में यहाँ पे डिफेंस की भी यहाँ पे मीटिंग होती है, इसी को यहाँ पे हम लोग 2+2 डायलॉग बोलते हैं। ओके, 2+2 यहाँ पे चार कंट्रीज के साथ यहाँ पे लाइक होता है बेसिकली, अगर बोले तो क्वाड मेंबर के साथ यहाँ पे मेनली यहाँ पे किया जाता है। ओके, और इंडिया तो क्वाड में है ही, जापान भी क्वाड में है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी यहाँ पे है। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया के यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर, और साथ ही में यहाँ पे आप कह सकते हो कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर और जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी इस पर्टिकुलर मीटिंग में प्रेजेंट थे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस मीटिंग में इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसको सिक्योर और सेफ रखने के लिए बोला जाता है, जितना भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता है उसको फ्री एंड फेयर रखने के लिए बोला जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, दोनों ही चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अच्छे तरीके से काम होता है, बात होता है। साथ ही में बायलेटरल एक्सरसाइज जो है दोनों कंट्री के बीच में, जैसे कि एक मिलान हो गया, मालाबार हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें धर्मा गार्डियन नाम का जो एक्सरसाइज होता है मिलिट्री का, वो सब यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से हो इसके ऊपर भी होता है। और इंडिया और जापान के लिए जो जो यहाँ पे इंटरेस्ट जो जो मतलब यहाँ पे सेम रहने वाला है उसके ऊपर भी यहाँ पे बात होता है। ओके, कोविड 19 गया था तो इसके लिए भी अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम की चीज़ें हो रही थी। ओके, बात वगैरह हो रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑन September 2022। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी विच इज मुंशीवर नाथ भंडारी। ओके, मुंशीवर नाथ भंडारी जो है वो एक रिटायर चीफ जस्टिस है, कि कहाँ के? लाइक मद्रास हाई कोर्ट के। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी जो इनका जो पोजीशन है वो काफ़ी बड़ा रह चुका है, और इनको अभी यहाँ पे क्या बना दिया गया, इनको यहाँ पे अभी चेयरमैन बना दिया गया किसका? एपिलेट ट्रिब्यूनल एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या यहाँ पे इनको लाइक चेयरमैन बना दिया गया। ओके, किसने इसको यहाँ पे अपॉइंट किया? अगर डेफिनेट सी बात है यहाँ पे प्रेजिडेंट के पास ही यहाँ पे पावर होता है कि इन सारे बड़े पोजिशन के लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करने का। ओके, 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे इनको बनाया गया, एंड अगर हम बात करें या फिर जब 4 साल होगा या फिर अप टू द एज ऑफ 70 साल हो जाएंगे तब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों में से जो भी पहले होगा उसको यहाँ पे किया जाएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे सैलरी भी इनकी लिखी हुई थी, तो इट्स 2,50,000 यहाँ पे इनकी सैलरी होगी एज ए चेयरमैन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डेयरी समिट इन इंडिया हैज़ बीन ऑर्गेनाइज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज 48th ईयर। ओके, कल हमने इसके ऊपर बात किया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे और छूट गई हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे लाइक 1974 में यहाँ पे लास्ट टाइम हुआ था, और अभी 2022 में यहाँ पे हो रहा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एंड इसका पूरा नाम क्या है? तो इट्स इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, इसका पूरा नाम इतना बहुत बड़ा है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। 12 सितंबर को यहाँ पे किया गया है, लाइक अभी ही किया गया। ओके, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है वो 220 मिलियन टन ऑफ मिल्क जो है वो यहाँ पे
लाइक प्रोड्यूस करता है, और इतना हम लोग मतलब मिल्क जो है वो धीरे धीरे मतलब और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी हो गया कि भाई नॉर्मली अगर इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता था उससे ज़्यादा भी इंडिया यहाँ पे जो मिल्क है वो एक्सपोर्ट करता आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड इसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अब इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है इस फील्ड के अंदर, यानी कि डेयरी फील्ड के अंदर यहाँ पे बनता आ रहा है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑल ओवर 50 कंट्री से यहाँ पे लाइक CEOs, चेयरमैन, डायरेक्टर, 1500 फार्मर्स और भी कई सारे यहाँ पे लाइक मैनेजर वगैरह भी यहाँ पे आ रहे थे, एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे थे। ओके, कहाँ से? लाइक फ्रॉम 50 कंट्रीज। ओके, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आने वाले हैं और इस पर्टिकुलर समिट को यहाँ पे अटेंड करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट ये होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कोलैबोरेट विथ इंडियन आर्मी फॉर CSR प्रोजेक्ट टू कोच एंड मेंटर लेस प्रिविलेज गर्ल्स स्टूडेंट इन कारगिल। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी, विच इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो कारगिल में जितनी भी जो लड़कियाँ होती हैं उनको यहाँ पे उतनी प्रिविलेज यहाँ पे नहीं मिल पाता, और जो उनकी फैमिली होती है वो भी इतना लाइक अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ यहाँ पे मिल करके यहाँ पे कारगिल इग्नाइटेड माइंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर यहाँ पे लाइक 50 गर्ल्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? फॉर द कोचिंग एंड फॉर द मेंटरशिप ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। ओके, तो मेडिकल जैसे नेशनल जो लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और इनका मेन फोकस रहेगा स्किल्ड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को यहाँ पे करने के लिए। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। उस जगह पर भी लाइक जम्मू एंड कश्मीर जो एरिया है वहाँ पर भी इन सारी प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे ज़रूरत है। ओके, सो दैट कि वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई इंडिया काफ़ी डेवलप हो रहा है और उनका सहयोग भी हमें चाहिए। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कश्मीर सुपर 50 भी है यहाँ पे, जो कि अगेन इंडियन आर्मी ही करवा रहा है। इसमें 50 गर्ल्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर बच्चे ही हैं जो मेडिकल के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं। ओके, तो ये सिर्फ मेडिकल के लिए है और ये जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, ये जो ऊपर वाला है ये सिर्फ और सिर्फ कारगिल में हो रहा है, लेकिन ये जो कश्मीर सुपर 50 है ये कश्मीर में हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इन विच सिटी। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स ए, विच इज अहमदाबाद। ओके, तो अहमदाबाद में अपना एक साइंस सिटी है, वहाँ पे इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ओके, किस चीज़ के लिए? सो दैट वी कैन बिल्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम अक्रॉस द नेशन, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम लोग इसको अपना लाइक पूरा मतलब बिल्डअप कर सकें। किस चीज़ का? साइंस का, टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन का। ओके, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, रिनेबल एनर्जी और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमें न्यू न्यू इनोवेशंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक ज़रूरत है। ओके, और नए नए इन्वेंशंस भी आप लोग कह सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे बोला ये भी गया है कि भाई हमारे पास विजन 2047 है। ओके, यानी कि जब हमारा इंडिया 100 साल कंप्लीट कर लेगा उस टाइम तक इंडिया एकदम वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज बन जाना चाहिए, और उस सब के लिए यहाँ पे इनोवेशन काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री पास लॉ अथोराइजिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक एज फ्रॉम डिफेंस। राइट आंसर ऑफ सेवन इज इट्स बी, विच इज नॉर्थ कोरिया। ओके, तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे लाइक बोला है कि भाई अब हम लोग बन चुके हैं क्या न्यूक्लियर स्टेट, इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर सही में है और वो चाहे तो वो दिखा सकता है। ओके, साथ ही में वहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन न्यूक्लियर स्ट्राइक हम कर सकते हैं, अगर उनकी टेरिटरी में बिना इजाज़त के कोई भी वहाँ पे कुछ भी करता है तो वो सीधा बम मारेंगे, और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने मतलब पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया जब भी कुछ ऐसा बोलता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे करता है, तो जब भी इसको कोई भी यहाँ पे थ्रेट समझ में आएगा ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली, ये दो वर्ड यहाँ याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली अपने एनिमी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसके लिए मतलब वो फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं लेगा अपने ऊपर कि भाई हमारी कोई गलती थी, गलती तुम्हारी थी, तुम उसके एरिया में क्यों गए, तो ऐसा उसका कहना है। ओके, यहाँ पे इसलिए इसने प्रिवेंशन न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वेपन्स इसको ऑटोमेटिक मोड पे यहाँ पे मतलब सेट कर दिया कि भाई अब ख़त्म हो जाएगा, और बोलता है कि भाई मेरा मेन दुश्मन जो है वो USA और उसके जितने अलाइज है वो यहाँ पे। ओके, तो नॉर्थ कोरिया का अगर हम अलाइज सॉरी USA के अगर हम अलाइज की बात करें तो साउथ कोरिया उसका अलाइज है, जापान उसका अलाइज है, और साथ ही में अगर हम बात करें तो ताइवान भी कहीं ना कहीं उसका अलाइज है। ओके, तो बोलता है कि भाई हम यहाँ तक तो नहीं मार पाएंगे, यूएस मतलब यूएस तक तो मतलब एक काफ़ी दूर हो जाता तो भाई रेंज नहीं है, तो बोलता है कि भाई हम साउथ कोरिया को मारेंगे, जापान को मारेंगे या फिर ताइवान को मारेंगे। ओके, तो ये काफ़ी मतलब यूनिक इंसान भी है यहाँ का जो हेड है किम जोंग उन। ओके, कुछ भी करता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनाउंस दैट इट हैज़ टोकनाइज्ड 14 मिलियन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑन इट्स नेटवर्क इन अकॉर्डेंस विद द RBI गाइडलाइनिंग फॉर डेटा सिक्योरिटी. राइट आंसर ऑफ एट इज इट सी विच इज़ फोन पे. ओके तो फोन पे ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टेप लिया है एंड जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे RBI ने अपना गाइडलाइन यहाँ पे दिया था किस चीज़ के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए. ओके तो यहाँ पे 14 मिलियन क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को यहाँ पे इसने टोकनाइज कर दिया गया. ओके टोकनाइज करने से क्या होता है, तो यहाँ पे जितना भी लाइक यहाँ पे फ्रॉड का जो रिस्क होता है वो एकदम डाउन हो जाता है. उसके अलावा जितने भी लाइक जो कस्टमर के जो यहाँ पे कार्ड के डिटेल होते हैं वो भी यहाँ पे एक तरीके से हाइड हो जाते हैं. ओके और उसकी जगह पे कुछ कोडेड वर्ड्स होता है तो इसके कारण जो उनका जो कार्ड वगैरह होता है उसका रियल इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता. ओके एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड को यहाँ पे किया गया. ओके साथ ही ना यहाँ पे फोनपे ने बोला है कि भाई हमने अराउंड 80% ऑफ जो यूजर हैं उसके उसमें मतलब हमने कर दिया है, उसको टोकनाइज कर दिया है, 20% और बचा हुआ है. और उन्होंने बोला है कि जो ये 20% है वो September 30 तक हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे. मतलब ऐसा RBI ने भी बोला कि आपको 30 तक कंप्लीट कर देना. ओके यहाँ पर मेन जो फोकस किया गया था वो डेटा लीक के ऊपर यहाँ पे फोकस था. ओके क्योंकि फ़ोन पे जो था वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही यहाँ पे जो लीकेज हो रहा था डेटा वगैरह का तो उसलिए ही यहाँ पे किया गया. ओके तो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे डेटा लीकेज को काफ़ी यहाँ पे लाइक जो डेटा सिक्योरिटी है उसको काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देकर यहाँ पे किया गया ये काम. ओके तो बहुत अच्छी है, कोई मतलब बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमाल नारायण सिंह व्हेन डिड पास्ड अवे. राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी विच इज 8 सितंबर 2022. तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जो हमारे जो चीफ जस्टिस कमाल नारायण सिंह जो हैं वो इंडिया के सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, लाइक 18 डेज के लिए. ओके तब 1991 में. यही आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के 100% चांस है कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं. अभी जो है वो भी 2 या 3 महीने के लिए ही बने हैं तो ये भी पूछने के 100% चांस है और ये क्वेश्चन आपको सही करना है. ओके कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? 22nd नंबर के थे. ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रयागराज में जो इनका घर है वहाँ पर इनका मतलब डेथ हो गया, तो भाई मतलब क्या ही बोल सकते हैं. ओके तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनको मेन अगर जाना जाता है तो भाई इनके 18 डेज के कार्यकाल के लिए जाना जाता है और काफ़ी मतलब 18 दिन में भी इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे वर्डिक्ट दिया था. ओके काफ़ी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट थे वो भी यहाँ पे दिया गया था. ओके यही क्वेश्चन इसके इसमें से आएगा इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन सेलिब्रेट एनुअली. राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स डी विच इज September 12. ओके तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो इस डे को हम लोग इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ताकि जितनी भी यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर जितने भी हमारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं या फिर हमारे जितने भी स्मॉल आइलैंड वाले कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे फोकस में रख के उनको डेवलप किया जा सके. बेसिकली अगर हम बात करें तो उनको यहाँ पे डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. ओके तो इन दोनों फील्ड में यहाँ पे हेल्प करना है और जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे एक्सचेंज करना है, यानी कि अगर हम बोलें यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जो यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे साउदर्न में सदर्न रीजन में जितने भी यहाँ पे स्टेट्स आते हैं उनको सॉरी कंट्रीज आती हैं उनको यहाँ पे कह सकते हो कि डेवलप करना है और यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पे करना है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे रखना है. अदरवाइज आपको पता होगा कि भाई कभी कभी यहाँ पे मिलिट्री कू यहाँ पे वगैरह हो जाता है. ओके जो कि अच्छी बात नहीं होती अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्री की प्रेस्टीज या फिर उसकी इज्जत की अगर हम बात करें तो. ओके साथ ही मैं यहाँ पे अगर कोई भी इन लाइक जो जितने भी यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर जो सदर्न में रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें कभी भी कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कोई भी यहाँ पे क्राइसिस आता है तो उससे भी यहाँ पे निपटने के लिए लड़ने के लिए हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे भी कोविड आया था तो उससे हेल्प करने इंडिया लाइक इंडिया ने काफ़ी यहाँ पे हेल्प किया था, वैक्सीन वगैरह भी भेजा था. ओके तो काफ़ी अच्छी अच्छी बात है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टू अटेंड शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग विद पुतिन एंड शी जिनपिंग ऑन September 15 and 16, 2022. राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डेफिनेटली बी विच इज नरेंद्र मोदी जी. ओके तो नरेंद्र मोदी जी हमारे कौन है? हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है. नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री. ओके तो ये कहाँ जाएंगे? उज्बेकिस्तान जाएंगे. ओके उज्बेकिस्तान फॉर SCEO मीटिंग. ओके समिट यहाँ पे होने वाला है उसका. ओके एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ओके अभी कुछ इसमें और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग पहले यहाँ पे अपना मतलब मैं बोल देता हूँ. पहले अपना इंडिया जो है वो 2023 में 2023 में जब सितंबर महीना आएगा यानी कि ऑलमोस्ट एक साल बाद यहाँ पे SCO का होस्ट बनेगा.
अगले साल हम लोग इसको होस्ट करने वाले हैं क्या, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहले एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट दैट। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई इंसान मिलने गया है, ओके, आफ्टर कोविड-19, मतलब 2019 के बाद हम लोग गए ही नहीं थे, मतलब मैन टू मैन मीटिंग हुआ इन सब, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या हुआ था, या फिर कह सकते हो कि ऑनलाइन ही हो रहा था, ऑफलाइन नहीं हो रहा था, ओके। तो यहाँ पे 2019 के बाद पहली बार ऑफलाइन यहाँ पे मीटिंग हुई है। यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ पे पुतिन साहब का नाम लिखा हुआ है, शी जिनपिंग है, नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पे जाएंगे और बातचीत करेंगे। जितने भी यहाँ पे SCO के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे, ओके, किन सब चीज़ों के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, पीस के ऊपर, और भी मतलब बेहतरीन जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो इनके इंटरेस्ट में आता है उनके ऊपर बात किया जाएगा, ओके। याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर इंडिया को यहाँ पे SCO का यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब हमें मिल जाएगा क्या, प्रेसिडेंशियल मिल जाएगा, ओके, और हम लोग होस्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मी एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन चौराड़म 12th इट्स ए विच पंजाब, ओके। तो पंजाब में यहाँ पे 4 दिन के लिए अपना गगन स्ट्राइक नाम का यहाँ पे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, ओके, और इसमें यहाँ पे दोनों आर्मी और एयरफोर्स दोनों यहाँ पे रहने वाली है इंडिया की, ओके। काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के साथ यहाँ पे जो है वो ड्रिल वगैरह किया जाएगा, साथ ही में ग्राउंड ड्रिल्स होंगे, डीप पेनिट्रेशन के ऊपर यहाँ पे काम होगा, और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें जो यहाँ पे होने वाला, साथ में कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन आर्मी, ओके, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ओके। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में यहाँ पे कंबाइंड मिलिट्री ड्रिल्स भी यहाँ पे होते हैं, जिसके तहत जो दोनों यहाँ पे मिलिट्री है उसको अच्छे तरीके से काम करना होगा, और इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर मेन यहाँ पे फोकस रहता है, ओके। ऑल दो अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी बेस्ट है, इंडियन एयरफोर्स बेस्ट है, इंडियन नेवी भी बेस्ट है, और कोस्टल गार्ड वाले तो भाई मतलब एक नंबर है, ओके, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन स्टिल हमें जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे गेन करना रहता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके ऊपर काम होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अवार्डेड मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू सुनील लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया, राइट आंसर ऑफ 13th इट्स ए विच इज सिंगापुर, ओके। तो हमारे इंडिया के जो फॉर्मर चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं एडमिरल सुनील लांबा जी, ओके, उनको यहाँ पे मेरिटोरियस सर्विस मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा, सिंगापुर के प्रेजिडेंट याकूब के द्वारा, ओके। याद रखिएगा यहाँ पे याकूब उनका भी सरनेम है, YACOB, हमें याकूब याद रखना, याकूब उनका मतलब याद रखो, ओके। तो उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है, किस चीज़ के लिए, रीज़न इज़ दैट कि भाई इंडिया एंड जो अपना सिंगापुर है इन दोनों ने मिल करके जो हमारा मेरी टाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है इसका यहाँ पे 25 साल हो चुके हैं, यानी कि सिल्वर जुबली यहाँ पे हो चुका था कब, 2018 में, ओके। तो उसको यहाँ पे अच्छा तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो रिलेशंस है उसको और मजबूत करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए और अच्छा करने के लिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे की गई, ओके। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मैडम थी, उन्होंने भी इंडिया के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको भी यहाँ पे एज ए जनरल यहाँ पे माना था, ओके, तो उनको भी यहाँ पे मेडल वगैरह दिया था, ओके। तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसे ऐसा होते रहना चाहिए, इंडिया भाई बेस्ट है यार, क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश पार्टनर विथ ओरिसा टू ऑफर बिल पेमेंट सॉल्यूशन, राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स डी विच इज भारतीय एयरटेल, ओके। तो भारतीय एयरटेल ने यहाँ पे एक बिल पेमेंट सॉल्यूशन यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर प्लस 2 मिलियन पीपल, या फिर कंज्यूमर कह सकते हो, कि कस्टमर कह सकते हो, 2 मिलियन कस्टमर्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो उसके हिसाब से बोला गया कि भाई यहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, इसके अलावा वाटर बिल और भी जो अलग अलग जितने भी बिल्स हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ डिस्काउंट, ओके। साथ ही में यहाँ पे मेन यहाँ पे फोकस था कि भाई यहाँ पे जितना भी डिजिटल रिस्क रहता है उसको यहाँ पे कम कर दिया जाए, डिजिटल फ्रॉड जो रहता है उसको भी यहाँ पे एकदम से जीरो कर दिया जाए, ओके। तो इसके तहत यहाँ पे किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ओरिसा जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों के ऊपर भी अभी धीरे धीरे स्टेप्स ले रही है, ओके, एंड इससे जो हमारे कंज्यूमर होंगे या फिर जो कस्टमर्स होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस डे इज विच डे विल सेलिब्रेट हिंदी दिवस एनुअली, सो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स सी विच इज 14th ऑफ सेप्टेंबर, ओके। तो हम लोग 14th ऑफ सेप्टेंबर 1949 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसने यहाँ पे हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, किसका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ओके। हिंदी जो है वो काफ़ी बेहतरीन भाषा है, जो भी हम यहाँ पे अपना बताना चाहते हैं, किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं उससे ईजिली एक्सप्लेन हो जाता है, ओके। इंग्लिश अगर हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सामने वाले को समझने में भी और जो बोल रहा है उसको बोलने में भी, ओके। लेकिन हिंदी इज़ अ लैंग्वेज
और ये एक लैंग्वेज है ओके okay? और हमारा कल्चर भी इससे जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से ओके okay? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी दिवस जो है इसमें हम लोग लोगों को अवार्ड देते हैं, यहाँ पे हम लोग हिंदी को प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, साथ ही मतलब बेस्ट होता है यार, मतलब हिंदी में क्या ही बोल सकता है इसके बारे में ओके okay? संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज ऑफ हिंदी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। मेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंदी जो है वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, और साथ ही में जब इसको यहाँ पे लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इसको 14th of September 1949 को यहाँ पे इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, तो भाई काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है। लेकिन जो साउथ में जो हमारा साउथ में जो स्टेट है, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, उनकी मदर लैंग्वेज डिफरेंट होने के कारण वो थोड़ा सा इससे एग्री नहीं हुए थे। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सबकी अपनी मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप आराम से बात कर सकते हो, तमिल में बात कर सकते हो, तेलुगु में बात कर सकते हो, मलयालम जो भी आपका लैंग्वेज है आप बात कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट हिंदी एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, सॉरी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का भी है ओके, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हिंदी दिवस यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप लोग याद रखेगा ओके। PDF डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब भी कर सकते हो या फॉलो वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। थैंक यू गाइस।